भाग में हमने जाना निर्माण कार्य में कंक्रीट का क्या महत्व होता है और इसको बनाते समय हमको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कंक्रीट बनाते समय हमको कितना पानी मिलाना चाहिए और उसका निर्माण की मजबूती और उसकी आयु में क्या महत्व होता है। एनिमेशन में आप देखिए कि हमने ये आपको बताने की कोशिश किया है कि कंक्रीट बनाते समय जो पानी की मात्रा होती है वो संतुलित होनी चाहिए या उस पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि वो पानी की मात्रा हमारी नियंत्रित होती है तो हमारा कंक्रीट मजबूत होता है और उसकी आयु ज़्यादा रहती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर कंक्रीट हमारा कमज़ोर हो जाता है और उसकी आयु में भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। पानी क्यों मिलाया जाता है? पानी हम दो कारणों से मिलाते हैं। पहला तो उसकी हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि बिना पानी के कोई भी सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन पूरी नहीं होती है और वो मात्रा होती है करीब 11.5 लीटर, और उससे अतिरिक्त जो हम करीब 13.5 लीटर पानी मिलाते हैं एक बोरी सीमेंट के लिए, वो हम सिर्फ कंक्रीट की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम इतने कम पानी में उसको बैठा नहीं पाएंगे, उसको उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर जो है ये अगर इन दोनों का टोटल हम करते हैं तो करीब एक बोरी सीमेंट के लिए हमको करीब 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम कंक्रीट के में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर की जो छिद्र होते हैं या उनके अंदर की खाली जगह होती है वो भरने का जो समय है वो बढ़ता जाता है। अगर हम 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं या लगभग उसमें 20 लीटर पानी मिलाते हैं तो लगभग 3 दिन में उसकी केशिकाएं बंद हो जाती हैं या उसके छिद्र जो है भर जाते हैं। अगर हम 0.45 करते हैं यानी 0.05 अगर हमने पानी वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया तो करीब हमारी यही 4 दिन ज़्यादा में जो है इसके छिद्र भरने का समय बढ़ जाता है। इसी तरीके से आप जैसे देखेंगे कि जैसे जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें छिद्र भरने का समय बढ़ता जाता है। तो आप देखिए जो नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है यानी 0.6 या लगभग 30 लीटर पानी से ज़्यादा किसी भी हाल में एक बोरी सीमेंट में नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसके छिद्र भरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर हमको पानी की मात्रा की जांच करना है साइट पर तो उसके लिए बहुत सरल तरीका है। जो मिक्सर मशीन से जो हमारा मसाला निकलता है इसको एक हथेली में एक मुट्ठी में लेकर के इसको करीब 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछालते हैं और उसके बाद जब वो वापस आती है तो वो किस रूप में वापस आती है इससे हम उसकी पानी की मात्रा की जांच कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में आप देखिए कि मैंने इसको दिखाने का कोशिश किया है कि यदि वो वापस आ करके उसका आकार यदि इस तरीके का हो जाता है जिसमें कि सामंजस्यता नहीं रहती है यानी वो गिट्टी बालू सीमेंट आपस में मिल नहीं पाती है तो वो आपका पानी की मात्रा उसमें ठीक नहीं है। दूसरा देखिए इसमें भी जो है पानी थोड़ा बहुत उसमें मिला हुआ है लेकिन फिर भी पूरी तरीके से इसकी बॉल नहीं बन पाई है, ये भी जो है ठीक नहीं है। तीसरे जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें उचित सामंजस्यता है यानी कोहेसिवनेस, कोहेसिव हमारा कंक्रीट रहता है जिसमें गिट्टी बालू सीमेंट आपस में मिली हुई रहती है, ये पर्याप्त पानी है। और आप चौथे चित्र में देखिए यानी जिसमें अगर जो है पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो गया, अगर इस रूप में हमारी बॉल वापस हमको मिलती है यानी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ये ओवर कोहेसिव हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सरल तरीके से जाँच कर सकते हैं कि कॉन्क्रीट में पानी की मात्रा बराबर है या नहीं है। और इससे अतिरिक्त एक उपकरण होता है जिसको हम लोग स्लम्प टेस्ट बोलते हैं। स्लम्प टेस्ट में हम लोग जो है जो मसाला होता है उसको 4 लेयर में भर करके और उसके बाद में इसको जो है ये जो आप देख रहे हैं कोन जो है इसको हम उठा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कितना बैठा है। तो उसकी भी कुछ मापन होती है, विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग स्लम्प वैल्यू निर्धारित किया गया है। अगर आप उसके अनुसार वो काम करते हैं तो उससे आपको पानी की मात्रा का एक सही अनुमान लग जाता है। अगर इनिशियल स्टेज में हम देखें कि पानी की मात्रा अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी इस तरीके से ये सब परिणाम सामने रहते हैं, छिद्रों के कारण से हमको इस तरीके के सीपेज दिखने लगते हैं। जो अगर हम छत की ढलाई किया है तो उसके नीचे जो है पानी की रिसाव होने लगता है या उसमें सीपेज आने लगती है। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज में है और अगर आप उसको लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो लंबे समय में इसको इसके परिणाम इस रूप में सामने आते हैं
यानी उसमें गिट्टी बालू सीमेंट सब अलग अलग हो जाती है, या आपका जो बाहर का जो लेयर है वो छोड़ देती है अंदर के कंक्रीट को। आप नीचे की जगह में देखिए तो उसमें जो है सरिया पूरा जो है बाहर निकल आता है, बाहर का मसाला जो है पूरा झड़ जाता है, या सीलिंग में अगर आप देखिए तो सीलिंग भी जो है नीचे हमारी निकल जाती है। तो इस तरीके से निर्माण की आयु में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है अगर हमारा पानी और सीमेंट की अनुपात का हमने सही नियंत्रण नहीं रखा साइट पर। साइट पर हम लोग जब भी ढलाई का कार्य करते हैं या कोई भी कंक्रीटिंग करते हैं तो उसके लिए जो है क्यूब टेस्ट किया जाता है, यानी इसमें हम लोग जो है मसाले को जो है तीन लेयर में एक क्यूब भर करके 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसको फिर हम लोग जो है कुछ समय के उपरांत यानी 3 दिन 7 दिन और 28 दिन के बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें पर्याप्त मजबूती आई है या नहीं आई है। ये सबसे प्रमाणिक तरीका है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जांच करने का। जब हम लोग कंक्रीट जब ढलाई का कार्य करते हैं तो उसको कंक्रीट को संभाल करके डालना भी बहुत जरूरी है। बहुत ऊंचाई से डालने पर उसमें के भारी कण यानी गिट्टी अलग हो जाती है और सीमेंट और बालू के कण उसमें अलग अलग हो जाते हैं। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1 मीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा की ऊंचाई से अगर हम गिराते हैं तो उसमें पृथकीकरण हो जाता है या सेग्रीगेशन हो जाता है। जब हम ढलाई का कार्य करते हैं तो उस समय उसके अंदर की हवा को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर जब वो हवा का हम लोग निस्तापन कर देते हैं तो उसके बाद में कंक्रीट हमारा ठोस हो जाता है और उसकी मजबूती बराबर हमको मिल जाती है। अगर हमको बहुत अच्छा टिकाऊ और मजबूत कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए हमको ये 4C का फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सीमेंट की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त कवर होना चाहिए यानी सरिये के ऊपर जो है सरिये और शटरिंग के बीच में कम से कम आपको 20 से 25 सेंटीमीटर 25 मिलीमीटर का जो है इसमें गैप होना चाहिए, और उसमें सही संघनन यानी कॉम्प्रेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और क्योरिंग इसमें कम से कम 15 से 20 दिन की कम से कम क्योरिंग अति आवश्यक होती है। तो कॉन्क्रीट की क्वालिटी को जाँच करने के लिए हमको इस तरीके के हम सुविधाएं एमपी बिरला सीमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोग लचीलापन या उसके जो स्लंप टेस्टिंग के लिए सुविधा हम आपको देते हैं। इसके अतिरिक्त हम सीटीएम मशीन के द्वारा आपके क्यूब टेस्ट की जांच करते हैं, और मसाला कई बार जो जमने के बाद में लंबे समय में अगर आपको उसकी मजबूती की जाँच करना है तो हम रिबाउंड हैमर की भी सुविधा आपको उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा ये भाग अब यहीं पर समाप्त होता है। इस तरीके के आगे हम और चर्चा करेंगे कंक्रीट के बारे में। तो अब हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले भाग में हम फिर मिलते हैं।